और खबरों में बात करेंगे अकोला की, जहां पर जिला हॉस्पिटल में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड बॉय ने 108 एम्बुलेंस के डॉक्टर को थप्पड़ मार दी है। यह विवाद स्ट्रेचर की देरी की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस में आले गांव की एक गर्भवती महिला की अस्पताल लाया गया था, और इसी बीच स्ट्रेचर की देरी से आने के कारण महिला की अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी हो गई है। यही नहीं, इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है और 108 पर कार्यरत सभी डॉक्टरों में आक्रोश नजर आया। डॉक्टरों ने इस पूरी घटना की शिकायत रामदास पेड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। साथ ही महिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट आरती कुलबाल को भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। आरती कुलबाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है और जांच के आदेश भी जारी किए हैं। जिला महिला अस्पताल में आलेगांव से एम्बुलेंस में 108 एम्बुलेंस में पेशेंट लेकर किया था, तो उसकी एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन या बोलो या कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग के वजह से अटेंडेंट और डॉक्टर में थोड़ा बहस हो गई, तो उसके लिए मैंने इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है। उनका इंक्वायरी का रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगा, उसके बाद में उचित कार्रवाई। डॉक्टर मोहम्मद फुरकुद्दीन आणि पायलट उमेश राउत आम्ही दोघांनी इथं पेशंट आणला, आलेगावहून रेफर झाला, आमच्या गाडीमध्ये आणला। डिलिव्हरीचा G2 होता, तो गाडीमध्ये क्रिटिकल असल्याकारणानं आम्ही व्हीलचेअर मागायला गेलो। तो वार्ड बायनं डॉक्टरांना प्रश्न केला की मला रेफर सीट द्या, तर डॉक्टर साहेबांनी म्हटलं बा तू वार्ड बाय आहे, मी CMO ला देणार, तुला नाही देणार। तर त्यांनी आर्राई केली आणि डॉक्टर साहेबांच्या अंगावर हात घालून उज्जतबाजी करून आम्हाला बाहेर काढलं। नंतर आमचा तिथं टाइम वेस्ट झाला 10-15 मिनिटं, आमच्या पेशंटची गाडी मध्ये डिलिव्हरी झाली खाली आणि आम्हाला तिथून रवाना करून दिलं। कल जो लेडी हार्डिंग ने जो इश्यू हुआ क्रिएट, हमारे डॉक्टर को वार्ड बॉय ने हाथ उठाया था, उसकी वजह से अभी CS मैडम को मिला हूँ। अभी CS मैडम ने आश्वासन दिया कि हम इंक्वायरी बिठा दी।